अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सभी दोस्त ठीक हुए, काफी अच्छे से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सीरत जान के बारे में। जैसे कि आप सभी दोस्तों को मालूम है कि 10-15 दिन पहले उसने खुदकुशी की थी, तो आप सभी दोस्तों को मालूम ही होगा। अब उस पर जो एक कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है कि कुछ बंदे कह रहे हैं कि उसका जनाजा नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसने खुदकुशी की थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि उसकी माँ ने कहा था कि ऐसी दवाई ले रही थी जिसकी वजह से उसको कुछ पता नहीं चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। उसको डॉक्टर ने भी कहा था कि उसको इन चीज़ों से, जैसे कि पानी पावर, इन चीज़ों से दूर रखना क्योंकि ये कुछ भी कर सकती है। तो चले जी, मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप भी प्ले करूंगा, लेकिन वीडियो क्लिप प्ले करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि कश्मीर के बहुत सारी बहन भाई चैनल पर वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं आप लोगों का कश्मीरी ब्रदर हूं और मैं इस चैनल पर कश्मीर रिलेटेड हर कोई अपडेट देता रहता हूं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। अगर कहाँ खुदकशी कर जवाब दू, खुदकशी कर आम तुम बूझमुत खुदकशी कर तेज गिनाज पा नु गलत खुदकशी कर जिनाज तेमिस हनबी मसलकस मज पुन मगर यम बड़ बड़ ओलमा दपन तम ग बड़ बड़ अलिया तो बुजुर्ग आम ग क्या कना अम खुदकशी अम क्या कना अम से पानस पन यह इस्लाम सजावन न पुन न क्यों। तो चलो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा ही होगा। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि उसने ऐसा जो किया है सिर्फ डिप्रेशन की वजह से किया है। शायद ये बात सच है कि अगर कोई डिप्रेशन की वजह से ऐसा करे तो वो खुदकशी नहीं, उसको हम खुदकुशी नहीं कहेंगे। और मैं आप लोगों को ये कह दूं कि शायद उसका जनाजा जो है पढ़ सकते हैं। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ ना कोई उलमा हूँ, मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस बारे में जो है मौलवियों से बात करें और उलमाओं से बात करें। मैं कोई उलमा नहीं हूँ ना ही मौलवी हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूंगा शायद पढ़ सकते हैं क्योंकि उसने डिप्रेशन की वजह से ऐसा किया है। तो चलो दोस्तों, हम अल्लाह तआला से यही दुआ करें कि उस बहन को जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घर वालों को सब्र अता करे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।